समय में ये उनका सीट जो है वो रोटेशन में नहीं गए, एक एक सीट वो रिजर्व है। मैं मेरे मन में फिर यह प्रश्न उठता और आप सबों के मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, फिर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 की बात क्यों नहीं होती है? उस विधानसभा या उस लोकसभा के तहत एक आम जनता जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से नहीं आता है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह बताया गया है? सबों को तो बराबरी का अधिकार दिया गया है। तो मैं यह विषय वस्तु आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ कि आप लोग भी इसके ऊपर सोचें और एक बार इसका प्लीज गहन अध्ययन करें। और मेरा यह मानना है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश चलता रहेगा। देश की जो जनसंख्या है उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप विश्व पटल पे देखेंगे तो इस देश को बिना पार्टी का चलाना जितनी मेरी समझ से फिर जुड़ा रही हूँ एक डिफिकल्ट टास्क होगा। लेकिन जब एक कोई प्रधान हमारे देश के प्रधान सेवक जब ये कहते हैं कि किसी पार्टी मुक्त भारत की बात की जाए तो क्या उस पार्टी की बात हो रही है जिसने गांधी जी और देवभूमि ने स्थापित किया था, जिस पार्टी को गांधी जी ने उस पार्टी के तहत भी स्वतंत्रता संग्राम की देश के जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने लड़ाई करी थी, किस पार्टी को खत्म करने की बात हो रही है? क्या पार्टी को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पार्टी की चीफ किसी विचार